एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निहारिका और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 अफोर्डेबल वर्स्ट प्रोडक्ट। जी हाँ, ज़रूरी नहीं कोई चीज़ अफोर्डेबल है तो अच्छी है या फिर महंगी है तो अच्छी है। बात यहाँ पे है कि आप चाहे 1000 रुपये का कोई चीज़ खरीदिए या 100 रुपये का खरीदिए या 10 रुपये का, अगर कोई चीज़ इवन 10 रुपए की भी है लेकिन अगर वो आपको अच्छा काम नहीं दे रही है जिस काम के लिए वो है, तो वो टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। सो मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ और यस, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर बता दूँ कि मैं जो प्रोडक्ट यहाँ शेयर कर रही हूँ वो ऑफकोर्स मेरी ओपिनियन है, मुझे लगता है, और ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई प्रोडक्ट मुझे नहीं पसंद है तो ज़रूरी है कि आपको भी ना पसंद हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई एक प्रोडक्ट है कि सभी को पसंद आता हो या कोई एक प्रोडक्ट है कि सभी को ना पसंद आता हो। सबका रहता है कि किसी को कोई चीज़ पसंद आती है तो किसी और को वो चीज़ नहीं पसंद आती है। मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया रहे जब भी आप उन्हें खरीदने जाएं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है ये गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल। सो ये जो जेल है इसमें है कि मुझे एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, मेरे पास रहते हैं 4-5 बॉटल और हर महीने ख़त्म होता है एक बॉटल। मैं अपने हेयर्स पे यूज़ करती हूँ, अपनी स्किन पे यूज़ करती हूँ, कभी भी कुछ रेडनेस होता है, कभी भी कुछ होता है, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, मुझे सूट करता है, तो मैं काफ़ी खुश थी इस जेल को पाके। लेकिन जो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो कुछ ज़्यादा ही लंबी है एक एलोवेरा जेल के तौर पे। सबको पता है एलोवेरा जेल का प्लांट आता है, आप प्लांट से ही जेल निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ जो आपके मार्केट में आता है और जो प्लांट में होता है उसमें थोड़ा फर्क होता है। पर यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ज़्यादा वियर्ड है। इसमें एक तो फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, लगता ही नहीं कि आप एलोवेरा जेल यूज़ करें, कोई परफ्यूम्ड जेल जैसी फीलिंग देता है। इसमें आपको जो सेकेंड लास्ट इंग्रेडिएंट है वो मिला है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। इसमें कहीं भी एलोवेरा नहीं है, बस एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट पड़ा है, फिर फ्रेग्रेंस पड़ा है, और स्टार्टिंग के जो इंग्रेडिएंट है वो है वाटर, ग्लिसरीन, और आपको बाद में यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी मिलेगा। मतलब आप सोच रहे हैं एलोवेरा जेल में कोई ऑलिव ऑयल क्यों डालेगा, ग्लिसरीन क्यों डालेगा, तो साफ पता चलता है कि ये जो जेल है ये टोटली प्योर जेल नहीं है। प्योर क्या कहूँ, 50% भी मुझे ये एलोवेरा जेल नहीं लगता, मुझे लगता है ये टोटली आर्टिफिशियल या सिंथेटिक जेल बनाया गया है जिसमें थोड़ा सा एलोवेरा स्ट्रैक मिला के हैवी परफ्यूम किया गया है, तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है पॉन्स का विटामिन मैसला वाटर। ओके, तो ये जो मैसला वाटर है पॉन्स ने निकाले, काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी वैरायटी में थे, मैंने यही वाला लिया। ये कहता है 99% आई मेकअप रिमूव करता है, ये ऑल स्किन टाइप है, इसका प्राइस भी काफ़ी सही है। पर्सनली मैं कहूँ मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, ये रखा हुआ आप देख सकते हो, सिर्फ इतना बॉटल है और जो इतना सा मैंने यूज़ भी किया होगा तो शायद मैंने फेस के बजाय किसी और चीज़ के लिए मेकअप ब्रश साफ करने के शायद यूज़ किया हो। पर ये बहुत ही बकवास मैसला वाटर, ये कुछ भी क्लीन नहीं कर पाता। आप मेकअप तो भूल जाइए, आपकी जो नॉर्मल लिपस्टिक होती, लिपस्टिक जो कि ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, वाटर प्रूफ नहीं, जो नॉर्मली निकल जाती है, ये वो लिपस्टिक्स भी साफ नहीं कर पाता है, उनको क्लीन करने के बाद भी आपके लिप्स पे टिंट छोड़ देता है, तो मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। इससे बेटर काम तो गार्नियर का मैसला वाटर करता है, एटलीस्ट वो लिपस्टिक एक नॉर्मल क्रीमी लिपस्टिक तो आपके लिप्स से हटा देता है। तो अगर मैं इससे अपना फेस क्लीन भी करूं तो मुझे नहीं लगता कि इससे क्लीन करने के बाद भी मेरा फेस क्लीन होगा। और बहुत ज़रूरी होता है किसी के लिए भी कि मेकअप ढंग से हटाना, अगर आप मेकअप ढंग से नहीं हटाओगे तो आपको बहुत बुरी तरह एक्ने होगा। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये है लैक्मे का नेल पेंट रिमूवर। ऑब्वियसली ये आपके पास होगा, आप को नहीं लगेगा ये वर्स्ट प्रोडक्ट है, ये अच्छा प्रोडक्ट है, मेरी बात मानिए, मैं 12-13-14 साल हो गए और मैं बहुत टाइम से नेल पेंट लगा रही हूँ, मेरा बचपन से शौक अगर कुछ रहा है तो नेल पेंट का रहा है, और नेल पेंट रिमूवर के नाम पे मेरे घर पे हमेशा यही रिमूवर रहा है, आज भी यही होगा। तो मैंने इतने टाइम से नेल पेंट रिमूवर जब भी यूज़ किया है तो इसे ही यूज़ किया है, लेकिन ये आपकी स्किन को, जो खासकर स्किन नहीं, जो आपके नेल्स हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है, वो आपको जल्दी पता नहीं चलता, वो आपको धीमे धीमे पता चलता है। पहली चीज़ तो ये एसीटोन फ्री नहीं है और ये बहुत ज़्यादा हार्श है आपके नेल्स के लिए, और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपको पता चलता है कि आपके नेल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। स्टार्टिंग में
इवन 3-4 साल मुझे नहीं पता चला, मुझे फर्क नहीं पता चला, लेकिन धीमे धीमे इट्स लाइक मेरे नेल्स की जो अपर स्किन है, जो अपर लेयर है, वो समझिए रिमूव करते करते वो भी निकल आती थी. पूरा नेल मैं पील ऑफ कर सकती थी, वो पूरी स्किन एकदम स्क्रैची सी निकल आती थी. अगर आपका नॉर्मल नेल पेंट है तो ये निकाल लेगा, लेकिन अगर आपका ग्लिटर है तब तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी इसे निकालने में. इवन नेल पेंट निकालता भी है तो स्टेन भी आपके हाथ पे पड़ा रहता है, येलो स्टेन भी पड़ जाता है. इवन कभी कभी मुझे वाइट स्टेन सा भी लगता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने एसिड यूज़ कर लिया हो. पता नहीं क्यों अजीब सा वाइट सा मेरा नेल छोड़ देता था. जो आपकी स्किन है, जो क्यूटाइल्स होते हैं, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हार्श ड्राइंग काइंड ऑफ आपका नेल पेंट रिमूवर है. सो मैं अब इसे बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ, मतलब मैंने बंद कर दिया है, पूरी तरह बंद कर दिया, इसलिए मेरे पास यहाँ पे अभी है भी नहीं. मैं इसकी जगह कलर बार का नेल पेंट रिमूवर यूज करती हूँ, वो एसीटोन फ्री है, ऑलमोस्ट इसी प्राइस में आता है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, और वो मेरे नेल्स को काफ़ी अच्छे से लगता है. एटलीस्ट मेरी जो नेल्स की स्किन है वो तो अब नहीं निकलती, बहुत ही कामली ये क्लीन कर देता है मेरे नेल्स को. नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये है वेट एंड वाइल्ड की कलर आइकन ब्रो पेंसिल. ये पेंसिल काफ़ी बजट में आपको एक आध शेड में भी मिल जाती है, पर प्रॉब्लम है ये सुपर क्रीमी है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रीमी है. इतना क्रीमी आईब्रो पेंसिल, लाइक आईब्रो अगर आप करोगे तो आपके फेस पे टिकेगा ही नहीं, मतलब आपके आईब्रोज पे टिकेगा ही नहीं. जैसे टेम्परेचर चेंज होगा ये भी आपका ट्रांसफ़र होने लगेगा, तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद. आप इट्स लाइक कि आप कोई लिप लाइनर यूज़ कर रहे हो, इसका बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है, ठीक है. तो अगर इवन आपने यूज़ भी किया तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप ज़रूर अपनी आईब्रोज को सेट करें, वरना अगर आप इसको अप्लाई करोगे और लाइक अगर आप समर में हो या आपको थोड़ा भी स्वेटीनेस हुआ तो आपकी आईब्रोज सबसे पहले ही मेस आउट होगी. तो लाइक मुझे नहीं लगता है इस प्रोडक्ट पे पैसे लगाने चाहिए. सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ब्लू हेवन का फोटो परफेक्ट कंसीलर. मैंने इस पे प्रॉपर रिव्यू भी किया है, उसमें भी मैंने बोला है कि मुझे ये कंसीलर नहीं पसंद. मेरे पास जितने भी कंसीलर्स हैं अगर उनमें कोई कंसीलर को मैं कहूँ कि ये वेस्ट है तो वो ये होगा, क्योंकि इसकी अजीब सी पाउडरी फिनिश है. मतलब ये स्टार्टिंग में तो ठीक है, पर जैसे जैसे सेट होता है तो अजीब सा पाउडर जैसा सेट होता है. अब इसको मैं ब्लेंड भी करती हूँ फिंगर से तो लाइक ये मेरे फिंगर पे ट्रांसफ़र होता है, देन मेरे हाथ पे ब्लेंड होने के बजाय. और उसके बाद भी अगर मैं हल्का सा सेट होने के बाद अपना फिंगर को दोबारा कोशिश करूँ ब्लेंड करने की तो ये चिप ऑफ होके निकल जाता है. तो लाइक ये स्टे भी नहीं करता, ये वियर्ड है. इस लाइक कि पाउडर में कोई लिक्विड मिला के किसी ने कंसीलर बना दिया हो, ऐसा कुछ है. ये तो मुझे नहीं लगता किसी को भी यूज़ करना चाहिए. मतलब अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तब तो आप बिल्कुल मत यूज़ करिए, उसके अलावा आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है. पर अगर डार्क सर्कल्स हैं तो ये तो आपका कोई काम नहीं कर पाएगा. सो गाइज, जो लास्ट प्रोडक्ट है मेरे पास वो है कलबा का नेल पेंट. इसमें बहुत सारे शेड आते हैं और ये ऑलमोस्ट लाइक 200 रुपीज़ का आता है. अल्ट्रा अफोर्डेबल नहीं कहूँगी, पर अगेन अगर आप बात कर रहे हो 100-300 रुपीज़ की तो ठीक है, मैं इसको काउंट कर लेती हूँ. मुझे ये नेल पेंट बिल्कुल नहीं पसंद. मेरे पास अब तक इसके 2 शेड हैं, एक ग्लिटर है और ये लाइक नॉर्मल जो होता है नेल पेंट वैसा शेड है. इसकी फिनिश बहुत ख़राब है, ठीक है. मैं जब भी लगाती हूँ तो बबल्स पड़ जाते हैं. किसी भी नेल पेंट को मैंने आज तक लगाया है, कभी भी बबल्स नहीं पड़े, पर इसको लगाने पे बबल्स पड़ जाते हैं. लाइक सीरियसली छोटे छोटे बबल्स पड़ जाते हैं. बहुत ही वियर्ड टेक्सचर देता है. ढंग से लाइक स्मूथ जो नेल पेंट फिनिश होती है वो मुझे इसके साथ कभी नहीं मिलती. बहुत क्लम्जी फिनिश देता है. सेकेंड थिंग, इसका जो एप्लीकेटर है सुपर थिक है. लाइक इतना थिक है जितना कि एक नॉर्मली आपका आई ब्रश होता है, उस साइज का इसका एप्लीकेटर है. तो प्रॉब्लम क्या होती है, मोटे एप्लीकेटर के साथ सबके नेल्स बड़े नहीं होते. लाइक मेरे नेल्स काफ़ी छोटे हैं तो मैं अगर लगाती हूँ तो मिडिल में तो लग गया, पर जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे लगाने पे बहुत ज़्यादा नेल पेंट मैसी हो जाता है. तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसके एप्लीकेटर के साथ नेल पेंट लगाना. और सीरियसली लोग काफ़ी पसंद करते हैं, पर मैंने आप कह सकते हो दोबारा खरीद के सिर्फ सेकेंड ट्रायल भी दिया, पर इसकी फिनिश महा बकवास. ना मुझे ग्लिटर वाला पसंद है, ना मुझे ये पसंद है. बहुत ही पैची फिनिश देता है
और इस प्राइस में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अफोर्डेबल नेल पेंट्स आराम से मिल जाएंगे. सो यस, सो गाइस ये था वीडियो. आई होप आपको पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड यस.